बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी बी बी एस केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट सिस्टमेटिक्स पे। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट सिस्टमेटिक्स हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कल हम सेकंड चैप्टर जो है उसको स्टडी करेंगे। प्लांट सिस्टमेटिक्स हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर द स्टडी ऑफ बॉटनी। बॉटनी के अंदर जो है प्लांट्स की सिस्टमेटिक्स, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ लिंक्ड टू एवरी ब्रांच ऑफ बॉटनी, और ये जो सिस्टमेटिक्स है इसका हर बॉटनी की जो ब्रांच है उसके साथ लिंक ज़रूर है। लिंक मतलब ताल्लुक ज़रूर है। प्लांट सिस्टमेटिक्स प्रोवाइड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स। आप लोग जो है कोई मर्जी जो है ब्रांच को डिस्कस कर लें, बेशक वो फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, तो उसमें प्लांट सिस्टमेटिक्स की कोई ना उसका उसके साथ लिंक ज़रूर है। प्लांट सिस्टमेटिक्स हैज़ फॉलोइंग इंपॉर्टेंस फॉर नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। नंबर वन, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट स्पीशीज़। इसमें जो है हम डिफरेंट स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच न्यू स्पीशीज़ प्रिजर्व्ड, और इसमें हर जो स्पीशीज़ है उसकी जो वजाहत है वो प्रिजर्व मतलब महफूज है। एंड इट इज़ यूज फॉर कंपेरिजन, और ये हम दूसरों के साथ कंपेरिजिनेट करने में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट सिस्टमेटिक इज़ यूज टू नेम डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट सिस्टमेटिक्स पौधों को डिफरेंट जो है वो नेम्स देने के लिए भी यूज़ होती है। इट सेट रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। इसमें तमाम वो रूल्स मौजूद हैं जो कि नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर किसी भी पौधे को कोई बोटैनिकल नेम देना नोमेनक्लेचर कहलाता है, और इसका प्रॉपर जो है वो एक चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में वो हम डिस्कस करेंगे। दिस नोमेनक्लेचर हैज़ एलिमिनेटेड द कन्फ्यूजन अमंग डिफरेंट बोटैनिस्ट। पहले जो है पौधों के एक ही जो है वो पौधे के इतने ज़्यादा नाम होते थे कि उनको जो है ना वो मुश्किल हो जाता था उसको पढ़ना, तो फिर साइंटिस्ट ने उसको जो है वो एक ही जो है वो नाम दिया गया जो तमाम मुल्कों में इस्तेमाल होता है और फिर जो है वो जाना पहचाना जाता है। नाउ नॉलेज ऑफ प्लांट्स कैन बी शेयर्ड बिटवीन बोटैनिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विदाउट प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। तो वो जो एक नाम किसी भी पौधे को असाइन कर दिया गया है, तो इसने ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दी है हर ममालिक में। प्लांट सिस्टमेटिक्स डिवेलप्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट सिस्टमेटिक्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स उसमें जो भी हैं उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब उनका जो वो इर्तका कैसे हुआ, वो वजूद में कैसे है, सारा जो है वो रिलेशनशिप उसमें बयान करती हैं। इट गिव्स एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स अमंग द प्लांट्स। प्लांट सिस्टमेटिक्स प्रोवाइड बेसिस फॉर द कंपेरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स अमंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। प्लांट सिस्टमेटिक्स में हम किसी भी पौधे की मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी साइटोलॉजिकल स्टडी कहते हैं जी, उसकी सेल की स्टडी को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसके जो है वो स्टडी करते हैं प्लांट सिस्टमेटिक्स में। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट, एंड इट प्रोवाइड्स हाउ प्लांट्स हैव डिफरेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। हम ये भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि पौधों के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब वो नेक्स्ट अपने ऑफ स्प्रिंग कैसे उनकी जो है वो प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट सिस्टमेटिक्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। पौधों की जो अरेंजमेंट है वो ये भी बताती है कि ये पौधा जो है वो किस जियोग्राफिकल किस एरिया से लिया गया है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बायोजियोग्राफी मे डिपेंड्स ऑन प्लांट सिस्टमेटिक्स फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स इन द वर्ल्ड। और ये चीज़ हमें बताती है कि पौधे किस किस जगह पे कैसे कैसे एक दूसरे से डाइवर्स मतलब डिफरेंट है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ इकोलॉजिकल जियोलॉजिकल चेंजेस, और ये भी हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि कैसे कैसे चेंजेस आई हैं जियो मतलब ये जो अर्थ है इसमें। प्लांट सिस्टमेटिक्स आल्सो प्रोवाइड्स इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट इंट्रैक्शन अमंग द प्लांट्स। इसमें हम पौधों के दरमियान जो इंट्रैक्शन है, ताल्लुकात हैं, वो भी बताती हैं। सम ऑफ दीज इंट्रैक्शन आर लाइक कंपटीशन। कंपटीशन वो एक दूसरे के साथ साथ कैसे मुकाबलेबाजी कर रहे हैं। ग्रेजिंग का मतलब होता है ये जो चढ़ने वाले या फिर जो काश्तकारी में यूज़ हो रहे हैं। पैरासिटिज्म एक्सेट्रा, पैरासिटिज्म में पैरासाइट्स आ जाते हैं जो दूसरों से फ़ायदा लेते हैं। रोल ऑफ प्लांट्स इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज आल्सो इलस्ट्रेटेड बाय द प्लांट सिस्टमेटिक्स। एनवायरमेंट में पौधों का क्या रोल है ये भी इसमें पढ़ा जाता है। प्लांट सिस्टमेटिक्स प्रोवाइड बेसिस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द वर्ल्ड, के इस दुनिया में जो है कैसे डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट पौधों को कैसे जो है वो कंजर्व किया गया, उनको कैसे बचाया गया, ये भी इसमें हम स्टडी करेंगे। इट इज़ अ मोस्ट क्रूशियल इशू ऑफ द वर्ल्ड टुडे, और ये आज
इस दुनिया का सबसे बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे ये काम हो रहा है। प्लांट सिस्टमेटिक्स आल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की भी बुनियाद रखी है। जेनेटिक्स एनालिसिस आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक्स, और सिस्टमेटिक्स को ही देखते हुए जेनेटिक्स पे जो है वो काम होता है। प्लांट सिस्टमेटिक्स हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर एंड हर्बल मेडिसन एंड इट प्रोवाइड्स अस इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। इसमें जो है ये एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रही है, इससे मेडिसन जो हम हर्ब से बना रहे हैं वो भी हम इसी की मदद से ही बना रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।